जिला अस्पताल में एंटी रेबीज वैक्सीन ARV 3 दिनों से खत्म था, जिसकी खबर को गोरखपुर न्यूज चैनल ने प्रमुखता से दिखाया था। वहीं सोमवार की सुबह दूर दराज से जिला अस्पताल में एंटी रेबीज वैक्सीन का इंजेक्शन लगवाने पहुंचे मरीजों को इंजेक्शन नहीं लगने से मायूस होकर लौटना पड़ा। गौरतलब है कि CSC PSC पर भी वैक्सीन उपलब्ध न होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों के मरीजों को भी जिला अस्पताल इंजेक्शन लगवाने आना पड़ा था। वहीं सोमवार की सुबह जब इसकी जानकारी गोरखपुर न्यूज चैनल को हुई तो वह जिला अस्पताल पहुंचकर मरीजों से इस बारे में जानकारी हासिल की। इसकी सूचना अस्पताल प्रशासन को लगते ही हरकत में आए अस्पताल प्रशासन ने CMO से ARV वैक्सीन मंगाने की मांग की, जिसके बाद CMO द्वारा 50 बॉयल वैक्सीन मुहैया कराए जाने के बाद दोपहर 12 बजे से मरीजों को एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाना शुरू हो गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला अस्पताल में ARV इंजेक्शन लगवाने पहुंचे मरीजों प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अभय चंद श्रीवास्तव और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने कहा। लक्ष्मी नारायण सिंह, आरतीनगर फेजपुर से आया हूँ, गोरखपुर से। और बच्चे का आज आखिरी टीका लगना था तो मैं पहले चरगावा ब्लॉक पर गया, वहाँ भी नहीं दवा है, फिर यहाँ आया तो यहाँ भी नहीं है। आज आखिरी टीका लगना था 28 को, यहाँ स्टॉक में दवा ही नहीं है। किसी का टीका लगना है? कुत्ता काटने का। क्या बताया गया? ये बताया गया है जो परसों आइए। वहाँ भी यही कहा गया, जब आएगा तब लगेगा, वो डेट नहीं बताए। हमारा नाम शमीउल्लाह खान है, हम रामपुर खुद पोस्ट गुलरिया बाजार जिला गोरखपुर से भटट ब्लॉक से आए हुए हैं। आए हैं हम सदर अस्पताल इंजेक्शन के लिए, कुत्ता काटने का इंजेक्शन यहाँ पर समाप्त हो गया है, यहाँ भी इंजेक्शन नहीं है, भटट ब्लॉक में भी नहीं है। क्या बोले वहाँ पर? बोले कि हम रेफर कर रहे हैं यहाँ पर सदर जिला अस्पताल जाइए, तो जिला अस्पताल आने पर ये देखिए यहाँ भी इंजेक्शन समाप्त हो गया, ख़त्म हो गया। पहली बार यहाँ आए हैं? हाँ, ये तो पहली बार तो कुत्ता काटा है, तो पहली बार ना आएंगे। गिरधारी पांडे, अयोध्या प्रसाद। किस लिए आए हैं? साइकिल से आए हैं। किस लिए आए? एक सुई लगवावे आए हैं, कुत्ता कटते भाई, एक सुई लग गया और सुई लगे है। क्या बताया? वो कहे हैं 26 तारीख के रहल डेट, तो 26 के लिए कहने कि सुई नहीं है, यहाँ सुई नहीं है, किसी रोज आप सोमवार को आइएगा तो आज सोमवार के ही नहीं। बाबू शीला देवी है सर, पादड़ी बाजार से। पहले तो गए थे एक हफ्ता से कुत्ता काटा है, पहले गए चरगावा बोले कि सुई नहीं है, अब मंडे को आइए, संडे को आइए, ट्यूजडे को आइए, ऐसे ऐसे बोल रहे थे। फिर हम परेशान होकर यहाँ अब आए हैं, तो यहाँ भी पर्ची नहीं काट रहे हैं लोग, और दूसरी बात कर रहे हैं इंजेक्शन नहीं है, इंजेक्शन है, ऐसे कैसे लेकर परेशान रहेंगे? कितना दिन तक? 2 हफ्ते का काटा है दोनों बच्चों को। यहाँ पहली बार आए हैं? यहाँ तो पहली बार आए हैं, पहले चरगावा गए थे, चरगावा बोले कि सदर में जाइए। मेरा धनेश्वरी विश्वकर्मा, मेरे गांव का नाम है सरंडा और जिला गोरखपुर है। ये मेरी मम्मी जी हैं, इनको कुत्ता काट लिया था 21 तारीख को, तो हम लोग पिपराइज ब्लॉक पे गए थे, वहाँ पे डॉक्टर ने बताया कि यहाँ पे इंजेक्शन नहीं है, तो वहाँ से रिफ़र किए, तो बीच में हम लोगों को पता चला कि सदर बंद है, तो हम लोग नहीं आए थे, आज हम लोग आ रहे हैं। यहाँ बताया कि इंजेक्शन यहाँ पे लगेगा, वहाँ पे इंजेक्शन ख़त्म हो गया है। अभी तो हम लोग जस्ट आ रहे हैं, अभी अंदर जा रहे हैं। इंजेक्शन नहीं है बता रहे? यहाँ भी इंजेक्शन नहीं है, शायद यहाँ पर भी बता रहे हैं इंजेक्शन नहीं है। हाँ, ARV मैंने मांग पत्र गया था, परसों बात हुई थी लखनऊ से, तो उन्होंने कहा कि शायद CMO की सबकी गाड़ी गई है, हम उसी से भेज दे रहे हैं। मांग पत्र तो जा चुका था, लेकिन बाद में पता लगा गाड़ी परसों नहीं गई थी, तो इमरजेंसी के लिए CMO साहब से आज मुझे 50 वायल वैक्सीन मिल गई है, और
हम अपनी आपूर्ति है तो कल आदमी जा रहा है और तब तक जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी से 50 वाल वैक्सीन मिली है उससे मेरा काम चल जाएगा। वैक्सीन की सप्लाई थोड़ी सी कम हुई है लेकिन आज की तारीख में सभी जगह वैक्सीन उपलब्ध है। हमारी सीएससी पीएससी पे भी वैक्सीन उपलब्ध है और हमें वैक्सीन 2 दिन पहले मिल गई थी। हमने अतिरिक्त मांग भी कर रखी है और अगर हमें वैक्सीन कॉरपोरेशन या जहाँ से मिलती है वहाँ से मिलने लगेगी तो ये दिक्कत दूर हो जाएगी। फिलहाल आज की तारीख में सब जगह वैक्सीन उपलब्ध है।